नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका विषय है, कंटेंट है, सब्जेक्ट है कि बस एक बदलाव अपने जीवन में ला करके देखो, एक छोटा सा कार्य अपने जीवन में करके देखो, पूरी ब्रह्मांड, पूरा कायनात, पूरा आकाश आपके लिए कार्य करने लगेगी। इस रहस्य को केवल समझना आवश्यक है। ब्रह्मांड अर्थात पांच तत्व, पांच तत्व में एक तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो कि चार तत्व को मूल रूप से अपनी शक्ति प्रदान करती है। अर्थात यूं कहें कि ब्रह्मांड ही, आकाश ही ऐसा है, वह अनंत शून्य ऐसा है जो सभी चीज को स्थिर किए हुए है। हमारे पृथ्वी को, हमारे सूर्य को, जितने भी ग्रह हैं उसे, या आकाश गंगा को, जितनी राशियां हैं उसे, जितने नक्षत्र हैं उसे, सब ब्रह्मांड में अगर स्थिर है, स्थिरता बनाए हुए है, टिका हुआ है अपने जगह पर, तो कोई न कोई यह शक्ति तो कार्य कर रही है। इस शक्ति को ही समझना है और इस शक्ति से ही जुड़ना। अगर आप जुड़ते हैं तो आप ये समझिए कि पूरा आकाश, पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करने लगेगी। आपको मालूम होगा कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनके अंदर एक सिक्स सेंस वर्क करता था। सिक्स सेंस कैसा कि पूरे दूर की, भविष्य की सारी घटनाओं को वो देख पाते थे। यह देखने की जो प्रक्रिया थी, यह ब्रह्मांड के उस अनंत शक्ति से जोड़ने की प्रक्रिया थी जिसमें सिक्स सेंस काम करने लगता है व्यक्ति का। वह इसी ब्रह्मांड में वह पूरे भविष्य जो होने वाला है उसे वो देख लेते थे। अब इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि जब आप जीवन में कभी भी किसी समय कोई कष्ट में पहुंचते हैं तो आप के माता पिता को वह सिक्स सेंस काम करता है, उनकी अनुभूति आती है कि मेरा पुत्र किसी न किसी संकट में है, या आपका बच्चा कहीं है और वह संकट में आ जाता है, या किसी प्रकार के खुशी में है, तो आपका वह सेंस आपको अलर्ट करता है, आपको जागृत करता है, आपको वह बताने की कोशिश करता है कि आपका बच्चा इस स्थिति में है। तो इसी रहस्य को समझना है। ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा यूनिवर्स है, ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके कॉस्मिक एनर्जी से अगर वह जुड़ जाए तो समझिए कि कितना गुना अधिक कार्य करने लगेगा। ऐसे वैज्ञानिक आधुनिक रिसर्च में यह पता लगाया है कि मनुष्य केवल अपने 5% 10% हाईएस्ट ही मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग कर पाता है। यह पूरा मस्तिष्क है क्या? वह ब्रह्मांड, वह यूनिवर्स की वही शक्ति है जिसको हम उपयोग जीवन में लाते हैं और उसका 2% 3% 1% 5% कोई उपयोग करता है तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो जाता है। इसी चीज को समझना है। जब यूनिवर्स में आप कोई अपनी संकल्प शक्ति छोड़ते हैं, पूरे शिद्दत से, पूरी जो है सो इच्छा शक्ति से, पूर्वी पूरा जो है सो आप विल पावर से कोई चीज छोड़ते हैं, कहते हैं ब्रह्मांड में, तो वह आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। कोई न कोई सुपर पावर है, हम उसे ईश्वर के रूप में समझते हैं कि वह ईश्वर जो है सो सुपर पावर है जो हमारी सारे विश को, सारी इच्छाएं को, सारी डिजायर को पूर्ण करने में पूरा सहयोग प्रदान करती है। इसी चीज को समझें। अब ये चीज को समझें कि कभी कभी 24 घंटे में एक बार ब्रह्मांड से आपका डायरेक्ट संपर्क जुड़ जाता है और उस समय वो थॉट अगर आपके मन में उठ गया तो उसकी पूर्ति हो जाती है। इसका सबसे पहला कारण है कि आप ब्रह्मांड के उसी यूनिवर्स से आपका जो है ट्यूनिंग हो जाता है, जिसको कह सकते हैं अलाइनमेंट हो जाता है, जो आप जो चीज भी इच्छा जाहिर करते हैं वह पूर्ति होने लगता है। तो इसी रहस्य को ही समझना है।
क्वांटम थ्योरी में बताया गया है कि कैसे हम ब्रह्मांड में जा करके उस यूनिवर्स शक्ति को समझ सकते हैं, और वही शक्ति जो है वही क्वांटम थ्योरी है, वही जो है यूनिवर्स की शक्ति है। आइंस्टीन ने बताया है कि यूनिवर्स में जो भी चीज है वह सब का सब निर्धारित है, परमात्मा अर्थात सुपर पावर के द्वारा सब चीज निश्चित किया गया है। उसमें हम कहाँ तक अपने आप को उतार पाते हैं और उनका उपयोग कर पाते हैं, इस वीडियो में इसी चीज का हम डिफिनेशन कर रहे हैं। लगातार इसका दूसरा वीडियो भी आएगा, पहले हम इस चीज को समझें कि यह कार्य पूरे ब्रह्मांड जो है मेरे लिए कैसे करेगी, वह मेरा होकर के मेरे लिए कार्य करे, इसी चीज को इसी थ्योरी को समझना है। देखिए 360 डिग्री पर आपका पृथ्वी एक बार राउंड कर जाती है पूरी, जहां से शुरू होती है फिर वहीं आकर के, अर्थात 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने आप को अपने धुरी पर पूर्ण रूपेण से एक चक्कर लगा लेती है। यह जो है इसी स्थिति में समझे कि जब पृथ्वी अर्थात सूर्य जब आपका 20 डिग्री पर हो, अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ही आप सूर्य को देखें, अपने खुले आंखों से सूर्य को देखें, उस ब्रह्मांड को देखें, उस शक्ति को देखें, उस सुपर पावर को देखें, और अपने अंदर प्रबल इच्छा शक्ति जागृत करके ब्रह्मांड से जुड़ने की इच्छा जाहिर करें कि ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड में हैं। इस चीज को समझें, इसको एक थ्योरी उदाहरण के द्वारा समझें। एक फिलोसफर एक समुद्र किनारे घूम रहा था, वॉकिंग कर रहा था। एक छोटा सा बच्चा अपने एक कटोरी में, वॉल में, कांच के वॉल में समुद्र के पानी को रख रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिलोसफर के मन में ये चीज जागृत हुआ कि आखिर इस बच्चे की यूनिवर्स में, माइंड में क्या चल रहा है, इस चीज को समझिए, क्योंकि इसको समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक किसी न किसी मस्तिष्क में कुछ कुछ जो चलता है वो ब्रह्मांड के द्वारा संचालित होता है, उस रहस्य को समझना। तो उस बच्चे के पास जाकर के फिलोसफर कहता है कि बालक ये तुम क्या कर रहे हो। बालक सीधे सच्चे मन से, चूंकि भगवान अगर कहीं है तो उस बच्चे में है, पवित्र आत्मा में है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जहाँ की वह यूनिवर्स की स्थिति में है, स्वच्छ निर्मल स्थिति में है, वह बच्चा खुले मन से, खुले दिल से बोलता है अचानक ये चीज कि हम पूरी ये समुद्र को इसमें डालना चाहते हैं। बोले ये कैसे संभव है, इतना बड़ा समुद्र है और ये तुम छोटे से बर्तन में डालना चाहते हो, ये संभव कैसे। बच्चा एक मिनट के लिए रुका और फिर वो बॉल जो है, वो कटोरी जो है, उस समुद्र में ही फेंक दिया। बोला ये तुमने क्या किया। बोला अगर हम इस समुद्र को इस कटोरी में नहीं ले सकते हैं तो समुद्र में मेरा कटोरी तो समाहित हो सकता है। अर्थात उस फिलोसफर के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जग गई, एक बहुत बड़ा ही कहते हैं ट्यूबलाइट जल गया कि बाप, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, हम ब्रह्मांड की को अगर अपने में समाहित नहीं कर सकते हैं तो हम ब्रह्मांड में अपने आप को प्रस्तुत कर दें, हम ब्रह्मांड में उतर जाएं। यही है ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का कि हम कैसे ब्रह्मांड से जुड़े। तो जो हम 20 डिग्री पर अर्थात सूर्योदय के समय सूर्य को देखने के लिए, अपने विष को बताने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए, अपनी संकल्प शक्ति को जगाने के लिए जो बात ब्रह्मांड से जुड़ करके करने के लिए बोल रहे हैं, वही चीज आप दोपहर में भी करें और वही समय सूर्यास्त के समय भी करें। अर्थात 180 डिग्री पर जब सूर्य पहुंचता है, 270 डिग्री पर जब सूर्य समय पहुँचता है, तो उस स्थिति में जो है सो वहाँ पे सूर्यास्त होने लगता है, और जब सूर्यास्त होने लगता है तो आप ये समझें कि निश्चित रूप से उस समय भी 20 अगर कहते हैं तो ब्रह्मांड में आपकी इच्छाएं चली जाती हैं। तो ब्रह्मांड से जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है, अर्थात जब आप ये देखते हुए कि आपके जीवन में कभी न कभी कोई सिक्स सेंस काम करता है, कोई घटना होने वाली है
तो आपको मन में पहले से आभास हो जाएगा, कुछ अच्छा होने वाला है तो मन में आपको आभास हो जाएगा। इसको साधारण रूप से समझें कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि पूरे ब्रह्मांड के शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है। पक्षी इत्यादि जितने पशु पक्षी हैं सब करते हैं। जैसे साइबेरिया में बैठा हुआ वह पक्षी अनुभव कर लेता है हजारों लाखों मील दूर से कि यहाँ पर हमको जल मिलेगा, तपती रेगिस्तान में वह जल खोजने निकल जाता है और जहाँ जल है वहाँ पहुँच जाता है। तो उस समय उसका सिक्स सेंस ही काम करता है, यूनिवर्स के वो सारे चीज वर्क करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर भूकंप आने लगता है तो पशु पक्षी बाहर निकलने लगते हैं, पहले उसको सिक्स सेंस वर्क कर जाता है कि ब्रह्मांड में ये चीज घटित होने वाला है। तो इसी तरह जब हम इस थ्योरी को समझें कि एक से दो बार तीन बार जब हम ब्रह्मांड में अपने विष को रखेंगे और सही समय पर रखेंगे, सच्चे मन से कहेंगे या आप कहते हैं कि पूरी शिद्दत से करेंगे, तो कोई भी चीज आपका पूरा हो सकता है। तो जब ब्रह्मांड में कोई संकल्प आप छोड़ते हैं सच्चे दिल से, कहता है ना कि सच्चे मन से भगवान से जो मांगोगे वह पूर्ति हो जाता है, तो जब सच्चे मन से आप कोई चीज को बोलेंगे, कहेंगे, विश के लिए इच्छा जाहिर करेंगे, तो पूरी कायनात तो उसको जुटाने में वर्क कर सकती है, करती है। अब इसकी स्थिति को देखें, एक व्यक्ति के जीवन में एक राजा और रानी है, उसके जीवन में कोई संतान सुख नहीं लिखा हुआ है, और एक सिद्ध मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास, संत के पास, ऋषि के पास, मुनि के पास जाता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और अगर कहीं वह व्यक्ति, वह साधु, वह संत, वह ऋषि, अगर उनकी जुबान से ये निकल गया कि जाओ जो है सो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, भले ही उसके कुंडली में नहीं लिखा, उसके जीवन में नहीं लिखा है, लेकिन उस यूनिवर्स में वो साधु की जुबान अगर निकल गई, ब्रह्मांड में वो आ गया शब्द, तो उसको पूर्ति करने के लिए पूरी ब्रह्मांड, पूरा कायनात तो उस पर वर्क करने लगती है और वह फलीभूत होता है। तो यही ब्रह्मांड का रहस्य है। फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में है कि ब्रह्मांड के उस नजदीकी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे धीरे धीरे हम उनके करीब जा सकते हैं, कैसे हम अपने आप में सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे तो हम ब्रह्मांड में मिल जाएंगे। तो यही जो है सो वीडियो दूसरा रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।